अजमेर में शीतला सप्तमी की तैयारी, आज रात में बनेगा भोजन। रात 12 बजे बाद शीतला माता के मंदिरों पर लगेगी लोगों की भीड़। अजमेर में शीतला सप्तमी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। नगीनाबाग स्थित शीतला माता मंदिर के बाहर मेला लग चुका है। मेले में बच्चों के खिलौने और घर के काम में आने वाले सामानों की दुकानें सज चुकी है। हर साल सुभाष उद्यान के सामने ये मेला आयोजित किया जाता है। रात 12 बजे बाद से ही सभी शीतला माता मंदिरों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा, जो कि कल रात तक लगा रहेगा। महिला रात में ही माता की पूजा करने के लिए ठंडे खाने का भोग लगाने आ जाती है। हाँ जी, मेरा नाम सुंदर देवी है और न जो यहाँ पे ये मेला होता है न चैत के महीने में, तो एक रोज पहले ठंडा बनाते हैं, दूसरे रोज ठंडा भोजन माता रानी का भोग लगा के फिर खाते हैं, भोग लगा के और फिर सारे जने मतलब घर में खाते हैं। और ये जो माता इस महीने में बाहर निकलती तो किसी ने गरम गरम पानी डाला, गरम अनजान में पानी डाल दिया तो माता रानी के फपोले फपोले उठ गए, तो माता रानी ऐसे करती करती पूरे गांव में निकली तो सब जगह उसको गरम खाना मिला। एक कुमारण के घर गई ना तो कुमारण के घर उसको ठंडा भोजन मिला, वहाँ पे चाच राबड़ी खा के उनको शांति मिली। फिर राजा ने बोला पूरे गांव में है ना, बोले इस कुमारण का घर बचा और सारे गांव में आग लग गई। तो कुमारण को बोला भाई तेरा घर क्यों बचा, बोले ऐसे माता रानी आई थी मेरे घर डोकरी के रूप में, तो उसने बोला बोले है ना मैं तो ठंडा खाती हूँ, ठंडे से राजी हूँ, मेरे ऊपर गर्म गर्म डाला तो पपोले उठ गए। जब से ये है ना परंपरा चली आती है कि ये है ना ठंडा भोजन बनाते हैं, ठंडे से पूजा करते हैं, ठंडे से ही है ना माता रानी को भोग लगा के फिर सारा ठंडा भोजन खाते हैं, फिर ये पानी की चरियाँ चढ़ाते, इनसे माता रानी बहुत खुश होती है। घर में पानी ले जाके छड़ के तो ना बच्चे बच्ची बूढ़े बड़े सब सुख शांति से रहते हैं, घर में बहुत सुख शांति होती है। इसी बहुत भीड़ आएगी, अभी तो तैयारियां चल रही है, बाहर रंग बिरंगे खिलौने की दुकानें लग रही है, बहुत से पकवान बना बना के सवेरे पूजने आएंगे, इतना भीड़ लगेगा कि खूब तांता लगा रहेगा रात और दिन, इतना बहुत भयंकर भीड़ होएगी। सात दिन बाद, सात सप्तमी भी पूजती है और अष्टमी भी पूजती है। तो ये होली का क्या महत्व है? होली के बाद ही माता का आता है, ये होली जलती है और होली के बाद ही ये होता है माता रानी का। नाम बताइए। सुंदर देवी प्रजापति।